हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो 12th क्लास तक तो हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। हमने तीन टाइप के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ा, एक्स वाई और जेड। पर आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट में ऐसा क्या स्पेशल होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। चलो हम स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास ये स्पेस में कोई एक पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल की पोजीशन को या इस पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करने के लिए मेरे को कम से कम कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, या फिर कम से कम कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी इस पार्टिकल की पोजीशन को या इस पार्टिकल की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। तो ये पार्टिकल हमने मान लिया, ये पार्टिकल एक्स में भी है, एक्स से। तो पोजीशन बताने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये पार्टिकल एक्स से कितना दूर है, ये पार्टिकल वाई कोऑर्डिनेट से कितना दूर है, और ये पार्टिकल जेड कोऑर्डिनेट से कितना दूर है। या फिर हम कोई एक और एग्जांपल लेके चल सकते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक रूम है, और रूम में एक कोई भी मॉस्किटो मान लिया, या कोई मक्खी मान लिया, कोई मच्छर भी मान सकते हैं। तो हमें उस मच्छर की पोजीशन को क्या करना है, डिफाइन करके बताना है। ये मान लिया हमारे पास एक मच्छर है और एक रूम में क्या कर रहा है, रैंडमली घूम रहा है, या फिर एक रूम में है। तो इस मॉस्किटो की, इस मच्छर की पोजीशन बताने के लिए मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि ये इस साइड से कितना दूर है। ये हमने क्या मान लिया, घर मान लिया। तो मेरे को क्या बताना पड़ेगा कि इस दीवार से इसकी कितनी दूरी है, इस दीवार से इसकी कितनी दूरी है, और नीचे से ये कितनी ऊपर उड़ रहा है। तो मतलब क्या है इस बात का कि इस मच्छर की पोजीशन बताने के लिए मेरे को क्या बताना पड़ेगा, ये एक्स से कितनी दूर है, एक्स कोऑर्डिनेट से, ये वाई कोऑर्डिनेट से कितना दूर है, और ये जेड कोऑर्डिनेट से कितना दूर है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की किसी भी पार्टिकल की पोजीशन या उसकी स्टेट को बताने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कितने चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। चलो डेफिनेशन देखते हैं हम। द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द सिस्टम। भाई हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है, उस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कितने कम से कम कोऑर्डिनेट की जरूरत है। एक्सप्लेन द स्टेट ऑफ सिस्टम कंप्लीटली आर कॉल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट। भाई किसी भी सिस्टम को कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए या फिर उसकी स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को कम से कम कितने कोऑर्डिनेट की जरूरत है, उसको हम क्या बोलेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अब हमने यहां पे ये एग्जांपल देखा था कि एक पार्टिकल की पोजीशन बताने के लिए एक्स से कितना दूर है, वाई से कितना दूर है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस ही हो। जनरलाइज कोऑर्डिनेट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, या डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो हमारे पास ये कोई जरूरी नहीं है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट सिर्फ हमारे पास क्या हो, डिस्टेंस ही हो। जनरलाइज कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। अब हम उससे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, ये जरूरी नहीं है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का कोई डायमेंशन हो या फिर कोई उसकी लेंथ हो। जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स नॉट नेसेसरी हैव द डायमेंशन ऑफ द लेंथ। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट का कोई डायमेंशन हो या फिर उसकी कोई लेंथ हो, वो कुछ भी हो सकता है हमारे पास। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एक पार्टिकल कंसीडर किया था एक स्पेस के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इस पार्टिकल के ऊपर कंडीशन लगा देते हैं कि हमारे पास ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे इस पार्टिकल के ऊपर कंडीशन लगा दी, दो कंडीशन अप्लाई कर दी हमने इस पार्टिकल के ऊपर कि ये पार्टिकल एक तो प्लेन ऑफ द पेपर है, और दूसरा ये क्या करेगा, एक सर्कुलर पाथ के अंदर ही क्या करेगा, मूव करेगा। तो अब हमारे पास इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी कम से कम। अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लेके चलूं ना कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट से अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो क्या बताना पड़ेगा मेरे को, कोऑर्डिनेट्स तो हो जाएंगे इसकी एक्स और वाई की, एक्स से कितनी दूरी पे है और वाई से कितनी दूरी पे है। पर जनरलाइज कोऑर्डिनेट से अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट से सिर्फ मेरे को क्या बताना पड़ेगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अगर मेरे को यहाँ पे थीटा का पता लग जाए तो मैं ये बता सकता हूं कि इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है। अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर कोस थीटा और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने
एक जो पार्टिकल स्पेस के अंदर था उस पार्टिकल के ऊपर हमने क्या कर दी, कंडीशन अप्लाई कर दी। हमने उस पार्टिकल के ऊपर दो कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या क्या थी? एक कंडीशन तो ये थी कि वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और दूसरा वो इस पेपर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दो कंडीशन लगाने के बाद हमारे पास इसके कितने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट हैं? हमारे पास इसके दो जर्नलाइज कोऑर्डिनेट बचते हैं। और यहां पे इसके कितने जर्नलाइज कोऑर्डिनेट थे? हमारे पास यहां पे इसके तीन ही जर्नलाइज कोऑर्डिनेट थे और तीन ही सिंपल कोऑर्डिनेट थे। तो हमने इस सिस्टम के ऊपर दो क्या लगाई, रिस्ट्रिक्शन लगा दी या फिर दो लिमिट्स लगा दी हमने इसके ऊपर, या फिर दो कॉन्स्टेंट अप्लाई कर दी, या फिर हमने इसके ऊपर दो रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे उतने ही ज्यादा हमारे पास, उतने ही कम हमारे पास क्या हो जाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। यहां पे हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट तीन थे, एक्स वाई और जेड। हमारे पास यहां कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ गए, थीटा, एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास। तो हम यहां से पे क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, उसके लिए कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास, तीन जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। दो पार्टिकल के लिए कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे, छह जनरलाइज कोऑर्डिनेट होंगे। तीन के लिए कितने हो जाएंगे, नौ जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अब हमारे पास मान लिया कि फोर एन पार्टिकल के लिए हमारे पास कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, थ्री एन जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, किसके लिए, एन पार्टिकल के लिए। तो अब हमारे पास n पार्टिकल के लिए कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट हो गए, 3n। अब हम क्या करते हैं, इन जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे k कॉन्स्टेंट्स क्या कर देते हैं, अप्लाई कर दिए हमने। हमारे पास n पार्टिकल के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना था, 3n। अब इसके ऊपर हमने क्या कर दिया, k कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 3n माइनस k। Then, तो ये हमने पीछे भी देखा था, स्टार्टिंग में एक फ्री पार्टिकल के लिए अपने पास कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे, तीन जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे। बाद में मैंने उसके ऊपर दो क्या लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, या फिर दो कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर दिए थे। तो अपने पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना आता था, वन आता था, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, वहां पे क्या आया था, थीटा आया था। अब ये जरूरी नहीं है कि हर सिस्टम के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक ही हो, प्रत्येक सिस्टम के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या होगा, अलग अलग ही होगा। अब हम देखते हैं कि जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं हम इनको डिनोट कैसे करेंगे। तो हमने क्या मान लिया, क्यू डैश से हम क्या कर रहे हैं, इनको डिनोट कर रहे हैं, क्यू डैश से या फिर क्यू से क्या कर सकते हैं, हम डिनोट कर सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, अब एन पार्टिकल का हमारे पास कोई सिस्टम है तो उसके लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, सो ऑन, क्यू थ्री एन माइनस के। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री और क्यू एफ। एफ क्या है यहाँ पे, क्या एफ है यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। या तो मैं यहाँ पे एफ लिख सकता हूं या फिर मैं यहाँ पे थ्री एन माइनस के लिख सकता हूं, क्योंकि हमने वो पीछे क्या देखा था, जब थ्री एन माइनस के किया था, कॉन्स्टेंट उसमें से माइनस किया था, तो अपने पास क्या आ रहे थे, एफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं 3n माइनस के भी लिख सकता हूं और f भी क्या कर सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं। या फिर यहां पे क्या बोल सकते हैं हम, यहां पे जो q1, q2, q3 है ये क्या है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट है किसके लिए, n पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने क्या मान लिया, जनरलाइज कोऑर्डिनेट मान लिया। जो k है वो हमने क्या मान लिया, कॉन्स्टेंट के ऊपर क्या कर रखा है, अप्लाई कर रखा है।